हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ध्रुव जोशी और आज का MCOC का वीडियो है EOP वीक 2 अगेंस्ट द ओवरसियर यूजिंग ओडिन, जो है मेटल और हीरो चैम्पियन। स्मॉल चैम्पियन मैं अभी भी सोच रहा हूं किससे करूंगा, बट ये वाला मुझसे हो गया। एक दो रिवाइव लगे हैं, दो या तीन, अब याद नहीं आ रहा कितने हैं, बट लगे थे रिवाइव। वन शॉट नहीं हो रहा था, जितना मुझसे हो पाया गाइज उतना मैंने कर लिया, मेरी बस की नहीं थी। आई वॉज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। बहुत ही अनोइंग है ये वाला बॉस ओवरसीयर। आई थिंक ओडिन टर्नड आउट टू बी अ वेरी गुड आंसर फॉर हिम। जैसे आप देख रहे हो, उसने मेरी पूरी पावर स्टील कर ली थी। दो स्पेशल बने हुए थे मेरे और दोनों चोरी कर लिए उसने। ओडिन में गाइज खास बात यह है कि वो ट्रू स्ट्राइक लाता है, तो ये ऑटो ब्लॉक वाली जो एबिलिटी होती है इसकी, वो तो फेल होती रहती है। सो दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। बट द सेकंड मोस्ट अनोइंग थिंग इज़ जो हल्क के नीचे टाइमर चल रहा है, ओवरसीयर के नीचे जो टाइमर है वो आपकी पावर चुरा लेगा गाइज। सो दैट कैन गेट वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मैं यहाँ थोड़ा बहुत पिटा भी था, बट जस्ट गॉट लकी कि आई डिडंट डाई। और यहाँ पे ध्यान बहुत रखने पड़ते हैं कि ट्रू स्ट्राइक लैप्स हो गया तो फिर से लो और हैवी जब दे सकते हो दो, और जब मौका मिले स्पेशल टू दो, विच गिव्स द मैक्सिमम डैमेज गाइस। एंड अभी मैं मेरा ओडिन रैंक 2 है, मैं रैंक 3 भी कर सकता हूँ इसे। सो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग कि इसको रैंक 3 करेंगे, बिकॉज ही इज़ रियली ओपी। 61% तक मैं ले आया हूँ दो मिनट में अराउंड, एंड बाकी के जो आई थिंक 50% तक लाता हूँ, एंड देन आई बी एबल टू डू हिम विद अ कपल ऑफ रिवाइव्स गाइज। इंक्रोचिंग स्टन के बारे में तो पता ही है आपको कि वो सबसे ज़्यादा अनोइंग नोड है। फिर पावर तो स्टील कर ही रहा है, ऑटो ब्लॉक है, तो आई मीन दिस फाइट कैन नॉट गेट एनी वर्स। मैं पीछे भाग रहा हूँ डैश बैक इंटरसेप्ट करने के लिए, स्पेशल इंटरसेप्ट देना चाहता था मैं। एंड आई गॉटन डाउन टू 45% गाइज, वेटिंग फॉर हिम टू गिव ए स्पेशल, एंड ही डेड। अपना एक हैवी चार्ज किया मैंने, अनदर स्पेशल इंटरसेप्ट, नाउ ही इज़ एट 37%। अब तो मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं करके ही रहूँगा रिवाइव लगा के। यहाँ मेरे पे इंक्रोचिंग स्टन लग गया और मैं मारा गया गाइज एक ही घुसंड में। बट आई गॉट वेरी लकी, दो चार हिट लगे थे मुझे उस फाइट में नंदलेस। अब रिवाइव लगाने का टाइम आ गया है, दो रिवाइव मेरे लग जाते हैं इसमें। अभी भी स्मॉल करना है ऑब्जेक्टिव, तो स्मॉल के लिए भी आई थिंक मैं दो रिवाइव का ही ऑब्जेक्टिव रखूँगा। एंजेला से मैंने बहुत कोशिश करी पर समहाउ मुझसे नहीं हो पाया, वेरी अनफॉर्चुनेट। पता नहीं, मेरे को लगता है और 6 स्टोन्स डालने पड़ेंगे उसमें। सिगेबिलिटी कम है उसकी, तो काफ़ी ज़्यादा ऑटो ब्लॉक ले रही है इवन आफ्टर हैविंग 3 बफ्स, तो वो टेंशन वाला काम है। इज मेरा दूसरा रन है, आई विल नॉट बी एबल टू किल हिम हेयर, क्योंकि कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी कर दूंगा मैं शायद। मेरा ट्रू स्ट्राइक अवेलेबल है, इंक्रोचिंग स्टन में अभी टाइम है, पर उसका जो टाइमर चल रहा है, ही विल स्टील माई पावर अगेन। ही डेड, वो स्पेशल 1 पे पहुंच गया है। अब इंक्रोचिंग स्टन पास आ ही जा रहा है, सो आई हैव टू स्पेशल इंटरसेप्ट हिम, अदरवाइज आई विल बी डेड। एंड थैंकफुली मैंने स्पेशल फेंक दिया था। थोड़ा इसको 20% तक तो ले ही आऊँगा इस वाले रन में भी, बट देन लास्ट रिवाइव में वी विल फिनिश हिम ऑफ। सो या लास्ट वीक हरक्यूलीज वाले में भी मैंने एक दो रिवाइव लगा के कर लिया था। यहाँ मैं ऐसे बेवकूफ़ों की तरह मर गया, ही इंटरसेप्टेड मी रियली वेल एंड आई कुड नॉट डील विद हिम। अभी भी लाख की हेल्थ बची है, तो लाख में तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि इतना तो हम झेल लेंगे। अब करना पड़ेगा हमें रिवाइव फार्मिंग मैं करूँगा। आई थिंक स्पाइडर गवेन वाला जो वेरियंट है वहाँ से, वहाँ पर आपको भी मिल सकते हैं रिवाइव, इन केस यू आर वंडरिंग कि रिवाइव कहाँ से इकट्ठे करने हैं। सो या नाउ द लास्ट 30% लेफ्ट, आई एम गेटिंग बीट। शुरू में बच गए पर यहाँ ट्रू स्ट्राइक एक्टिवेट कर दिया, पर ओके रिवाइव लग चुका है। अब घुसते हैं फाइट में।
28% बचा हुआ है ये, आई थिंक इसी रिवाइव से मर जाना चाहिए या एक और लगेगा, नॉट 100% श्योर. लेट्स गो गेट द ट्रू स्ट्राइक ऑन. इंक्रोचिंग स्टंट के 6-7 सेकंड बचे हैं, उसने थैंकफुली अपना टाइम पे दे दिया, बट वो मेरा पावर भी चुरा चुका है. सो विल आई डाई? नो, आई थ्रू द स्पेशल ऑन टाइम. 21% पे हुआ है. आई एम सीइंग द लाइट कि मैं जीत सकता हूँ. अभी भी ये हैवी दिया है एक बढ़िया सा स्पेशल के बाद उसके. ट्राइंग टू रन टू माई स्पेशल 2 जिसमें ज़्यादा डैमेज आता है. टाइमर अभी भी मेरे साथ है. आई विल गिव माई स्पेशल 2 विच विल डील द मोस्ट डैमेज. असैसिन्स भी है अब तो. 13% खा गया स्पेशल 2 से वो ओडिन इसका. सो नाउ नथिंग टू फियर, ओनली 3-2% लेफ्ट. अब नहीं मर सकते गाइज, अब नहीं मर सकते. कम ऑन, इंक्रोचिंग स्टन आने वाला है. कम ऑन, हो गया. इंक्रोचिंग स्टन इज जस्ट देयर. ऑटो ब्लॉक फेल्ड एंड ही हैज़ डाइड गाइज. सो फ्यू, दैट वॉज क्लोज. आई वॉज गेटिंग वेरी स्कैर्ड कि एक और रिवाइव ना लगे. एंड या ओडिन का पोज देख लो गाइज, बहुत ही धांसू लग रहा है ऐसा खड़ा हुआ. एंड या दैट इज़ अबाउट इट. होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको प्लीज़ लाइक ठोको, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो. आई विल सी यू द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय बाय.